डिंडोरी जिले के महिला बाल विकास परियोजना समनापुर में पैसे के लेन देन को लेकर वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद भी जिले के जिम्मेदारों ने परियोजना अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं इस मामले में जांच के नाम से दो सुपरवाइजरों को जिला बुलाया गया, जहां अधिकारियों ने इतनी प्रताड़ित किया कि एक सुपरवाइजर वहीं बेहोश हो गया, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराने के बाद जबलपुर भेजा गया। वहीं लोगों ने परियोजना अधिकारी समनापुर को तत्काल हटाने के लिए सीएम के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, साथ ही कार्रवाई न होने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी। जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय और सहायक संचालक महोदय और परियोजना अधिकारी समनापुर, तीनों मिल करके मुझे और सोनल सही हम दोनों को बैठाए थे कैबिन में, कार्यालय में, वहीं उनके द्वारा ही बोला गया। इसके साथ यह हुआ कि हम लोगों को समनापुर से सभी पर्यवेक्षकों को हाड़ा में लेटर देकर बुलाया। हम आए और अंदर सिर्फ हम सोनल, मैं सोनल सिंह और सोनलपुरी को अंदर बुलाया और हम लोगों को मैडम द्वारा लगातार डांटा गया। तुम लोगों ने जो भी किया है गलत किया है, जो विभाग की गंदगी हो तुम दोनों को भी डिंडोरी से हटा देना चाहिए और तुम्हारा ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि जो गंदगी चली जाएगी तो डिंडोरी सुधर जाएगा, ऐसा उसने मैडम ने बोला। नेटी मैडम है जो खिल्ली नेटी, उसके आए दिन महिलाओं को प्रताड़ित करती रहती हैं पैसों की मांग को लेकर, जो भी अभी 8-10 दिन से चल रहा है उसकी वजह से अभी जो मीटिंग हुई बड़े अधिकारियों को, उसने दबाव डलवा कर एक महिला सुपरवाइजर को ऐसा प्रताड़ित किया कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी और इतनी ज़्यादा हो गई कि उनको रेफर जबलपुर कर दिया गया। आज वो अपनी जिंदगी मौत से लड़ रहे। भी अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आगामी सोमवार को जन समुदाय के साथ हम लोग समनापुर में धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम